हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू रनिंग इट गाइस। आज के वीडियो मैं आपके लिए हूं एक और धमाकेदार रीडिंग जो गाइस बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव एंड ऑसम होने वाली है। तो गाइस आज की हमारी रीडिंग है न्यू ईयर कॉन्सेप्ट फोटो रीडिंग, और गाइस यहां पे हमारी रीडिंग को देख सकते हो, अलग ही लेवल की हमारी रीडिंग होने वाली है। और गाइस इस कॉन्सेप्ट पर मैंने दो और वीडियो अपलोड कर रखे, अगर आपने नहीं देखे तो उस वीडियो को भी जाकर जरूर से देखना, वो भी एकदम क्रिएटिव है। सो गाइस इसमें जितना भी स्टॉक यूज हुआ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड गाइस इससे रिलेटेड अगर आपको और बैकग्राउंड चाहिए तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। सो गाइस अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, एंड वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट फॉर इट। सो गाइस सबसे पहले क्या करना है, आपने इस वाले बैकग्राउंड को अपने पिक्सआर्ट में ऐड कर लेना है। और यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद से अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल से ड्रॉ टूल में जाना है, ठीक है। और यहाँ ड्रॉ टूल में आने के बाद से आपने सिंपल जाना है ऐड फोटो पे। तो गाइस फोटो ऐड करने से पहले मैं आपको बता दूं, गाइस अगर आपको गिवअवे में पार्टिसिपेट करना है तो गाइस आपको क्या करना है, आर आर एडिट्स के चैनल पे चले जाना है। और यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे उनकी वीडियो को वॉच करना है फुल्ली, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना है। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो का लाइक जरूर से ही करना है, क्योंकि इसमें से आप कोई भी प्रोडक्ट जीत सकते हो एकदम इजीली। सो गाइस उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे इनको चेकआउट कर सकते हो और गाइस ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। गाइस अगर आप लकी हुए तो गाइस इनमें से कोई एक प्रोडक्ट आपका जरूर होगा। तो गाइस हम आते हैं अपने वीडियो की तरफ। सो गाइस यहाँ पे हमने अपने मॉडल को ऐड कर लिया, यहाँ पे इसका साइज को हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको अपने बैकग्राउंड पे रख देते हैं, और यहाँ पे इसको कहीं पे भी आपने टैप कर देना है। और उसके बाद से लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, वहां पे आपने थ्री डॉट पे क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म पे जाना है, और यहां से अपने मॉडल को अपनी फोटो को ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे इसको सेट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे गाइस हमने यहाँ पे इसको एडजस्ट करके फिक्स कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी ये ठीक ठाक लग रहा है। अभी गाइस इसमें हमें शैडो डालनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एम्प्टी लेयर बनाते हैं, और गाइस उसमें हम ऐड फोटो पे जाते हैं, और यहाँ से हम शैडो को PNG को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम नीचे के साइड में लगाएंगे, और फिर एक बार टैप करेंगे, फिर इसको क्या करें, ट्रांसफॉर्म पे लेके जाएंगे, और इसके साइज को छोटा करके हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हम इसको लगाते हैं, आप देखो, तो कुछ स्टेप से इसको लगा लेना है। और गाइस ये एकदम प्रॉपरली सेट हो जाता है, ये PNG वाला शैडो, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसे ही क्या करना, आपने डुप्लीकेट बना बना के अपने शूज और अपने हैंड के नीचे भी ऐसे ही सेम लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको जल्दी जल्दी से लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने हैंड और शूज दोनों के नीचे लगा लिया, और इसको हम मर्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर अभी आपने देखा कि कैसा हमारा बिफोर लग रहा था एंड आफ्टर, ठीक है। तो उसके बाद से गाइस अब आपको क्या करना, अब आपने चले जाना है ऐड फोटो पे, ठीक है। तो यहाँ से गाइस हम चलते हैं ऐड फोटो पे, और यहाँ से गाइस हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एक लेंस फ्लेयर की PNG को ऐड कर लेंगे, और देन इसका ब्लेंडिंग मोड गाइस आपने स्क्रीन करना है। फिर क्या करना, आपने एडजस्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, और वहां से इसकी सेचुरेशन को फुल डाउन कर देना, मतलब ये वाइट हो जाएगा। अब गाइस ये वाइट हो गया, तो ये बैकग्राउंड से हमें मैच कराने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो हम क्या करेंगे, अपने बॉडी के चारों तरफ इसको लगा देंगे डुप्लीकेट बना बना के। जैसे गाइस हम इसको यहाँ पे लगाते हैं, गाइस इस लेंस फ्लेयर को हम एज अ रिम लाइट यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे पीछे के साइड में लगाते हैं, और यहाँ पे इसको फिर एक डुप्लीकेट बनाएंगे, फिर इसके पास में ही लगा दें। ऐसे कर करके गाइस आप अपने बॉडी के चारों तरफ लगाना, जहाँ पे भी गाइस वाइट एरिया है, ठीक है। और जहाँ पे वाइट एरिया है वहाँ पे, वाइट एरिया नहीं है वहाँ पे नहीं लगाना है। तो यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर यहाँ पे देख सकते हो, लेंस फ्लेयर लगाने के बाद से हमारी फोटो एकदम बैकग्राउंड से मैच करने लगी। उसके बाद से गाइस हम क्या करते हैं, ऐड फोटो पे जाते हैं, और यहाँ पे गाइस हम दूसरी एक PNG को ऐड कर लेते हैं। तो गाइस ये हमारी 2022 की है, जिसमें 1 हमारा ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको ऊपर के साइड में लगाते हैं। और गाइस ये देख सकते हो ये रेड कलर में है, तो ये एक अलग ही लग रहा है, तो इसको हम अपने बैकग्राउंड के कलर में करेंगे। तो बैकग्राउंड के कलर में करने के लिए आपने क्या करना है, एडजस्ट पे जाना है, ठीक, और यहाँ पे ह्यू में जाना है, और इसको फुल माइनस या फुल प्लस कर देना है, ठीक है। फुल माइनस करोगे तो भी यही कलर होगा, फुल प्लस करोगे तो भी यही कलर होगा, ठीक है। तो यहाँ हमने इसको फुल माइनस कर लिया, और देन सिंपल से इसको हम डन कर लेंगे। अब देख सकते हो ये भी गाइस हमारा बैकग्राउंड से प्रॉपर मैच कर रहा है। उसके बाद से गाइस हम क्या करते हैं, यहाँ से हम चले जाते हैं ऐड फोटो पे, ठीक है, और यहाँ से हम अपनी PNG को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आपको 2 PNG ऐड कर लेनी है, एक क्लॉक की है, एक दूसरी बॉटल की, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लॉक वाली PNG को इस साइड रखेंगे, और बॉटल वाली को दूसरी साइड। फिर यहाँ पे इसको गाइस हम सेट करेंगे, साइज को गाइस आपने ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, छोटा ही छोटा रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करते हैं, और फिर सेम क्लॉक वाले को भी, तो यहाँ पे इसके भी साइज को हम छोटा कर लेते हैं, और यहाँ इसके ऊपर एडजस्ट कर लेंगे।
और देन क्या करना है, आपने भी सेम करना है, इसमें एडजस्ट में जाना है, इसके ह्यू को फुल माइनस कर देना है, जिससे गाइस ये भी गाइस हमारे बैकग्राउंड का कलर का हो जाएगा। देन सिंपल से इसको डन कर देना है, और सेम बॉटल वाले में भी करना है, ठीक है, उसका भी ह्यू को आपने फुल माइनस कर देना है। उसके बाद से गाइस ये दोनों भी गाइस आपके बैकग्राउंड से मैच करने लगेगा। देन क्या करना है, आपने सिंपल से इसको डन कर देना है। उसके बाद से गाइस आपने फिर ऐड फोटो पे जाना है, ठीक, और फिर हम अपनी दूसरी पीएनजी को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो पीएनजी इस बार भी आपने ऐड कर लेनी है, और यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद से गाइस क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो गाइस हैप्पी न्यू ईयर का है उसको आपने क्रॉप करना है, क्योंकि उसमें ऊपर के साइड में लाइट आ रही है, तो इसको क्रॉप करके यहाँ पे नीचे के साइड में लगाना है, ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर लेना है। और इस वाले गाइस यहाँ पे अपने सर के पास लगाना है, ऐसा लगेगा गाइस आप ऐसे सोच रहे हो या ऐसा करके कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लगाते हैं और देन सिंपल से डन करते हैं। फिर क्या करना है, आपने पिक्सआर्ट में ऑप्शन मिलेगा इधर कॉल आउट का ऑप्शन, ठीक है, सबसे एंड में ये मिलेगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक, और इसमें ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फोर्थ नंबर वाला, और इसमें हैप्पी न्यू ईयर टेक्स्ट कर लेना है। और उसके बाद से गाइस जस्ट उन्हीं के नीचे इसको भी लगा देना है। तो यहाँ पे हम इसको सेट करते हैं, और कोई सा भी एक फॉन्ट आपने ले लेना है, इसको एडजस्ट करना है, देन सिंपल से इसको डन कर देना है। अब यहाँ पे गाइस ये भी हमारी रेडी हो गई है। उसके बाद से ऐड फोटो पे जाना, और यहाँ पे एक ब्लर पीएनजी आपको मिलेगी, ठीक है, तो उसको भी हम ऐड कर ही लेते हैं। और यहाँ पे इसको हम लेफ्ट साइड की तरफ लगाते हैं, थोड़ा सा एरिया बस इसको हम दिखाएंगे, और देन सिंपल से इसको भी हम डन कर लेंगे। सो गाइस हमने यहाँ से इसको डन कर लिया है। उसके बाद से गाइस हम फिर ऐड फोटो पे जाते हैं, और यहाँ पे एक आपको पीएनजी मिलेगी, जो गाइस आपके नीचे के साइड में इसको डार्क करना है इससे। तो क्या करना, आपने इसको फुल बैकग्राउंड पे कर देना है, फिर इरेजर पे जाना है, इसको इन्वर्ट कर लेना है, और फिर ब्रश सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे बस नीचे के साइड में यहाँ पे ब्रश करना है, पूरे बैकग्राउंड पे नहीं करना है, बस नीचे के साइड में, ठीक है, ताकि जो हमारा बैकग्राउंड है वो नीचे के साइड थोड़ा सा डार्क हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, और उसके बाद अगर ड्रॉ टूल में जाएंगे, यहाँ से अगर हम फोटो को करते हैं सेव, और सेव करने के बाद से चलते हैं अपने लाइट रूम में। सो गाइस हमने यहाँ पे लाइट रूम को ओपन कर लिया है। उसके बाद से गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम चले जाएंगे लाइट्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रास्ट को माइनस कर लेते हैं थोड़ा सा 20, ठीक है। यहाँ पे गाइस आपने हाईलाइट को इंक्रीज करना है, क्योंकि हमारा जो पीछे बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर में है, तो इंक्रीज करोगे तो उसमें गाइस थोड़ा सा लाइट आएगा, ठीक। उसके बाद से गाइस हम क्या करते हैं, शैडो को इंक्रीज कर लेते हैं, देन यहाँ पे हम ब्लैक्स को माइनस कर लेंगे, माइनस का 20 कर लेते हैं, देन कलर वाले ऑप्शन पे जाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, टिंट को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, और यहाँ पे वाइब्रेंस को हम 20 के अराउंड, देन मिक्स वाले टूल पे जाएंगे, यहाँ पे ऑरेंज कलर, देन सेचुरेशन को माइनस, लुमिनस को इंक्रीज, देन ब्लू कलर में गाइस हम चेक करते हैं कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं या नहीं, तो इसको हम नहीं करेंगे, यहाँ पे इसको हम अंडू कर लेते हैं, थोड़ा सा सेचुरेशन को हम डाउन रखेंगे, और देन इसमें हम क्या करते हैं, इसको भी सेम रखेंगे। फिर यहाँ पे इफेक्ट पे आते हैं, यहाँ पे टेक्सचर को हम इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, विग्नेट को माइनस कर लेते हैं, इसको माइनस के 30 के अराउंड रख लेंगे। डीएस को गाइस हम चेक कर लेते हैं, इसको भी हम माइनस रख लेते हैं थोड़ा सा 10, और शार्पिंग नॉइस रिडक्शन आपको पता ही इंक्रीज करना होता है। तो गाइस आप कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगे, अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।